हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल घर घर की कहानी विद कज। और आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं सभी प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। अब आप सोचेंगे कौन सी प्रॉब्लम्स? जी ये है गर्दन की प्रॉब्लम। गर्दन की प्रॉब्लम मुझे भी हो गई थी गाइस 2-3 दिनों से, तो मैं इसीलिए वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ किस प्रकार से रिलीफ मिलेगा और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पेन रिलीफ तो बहुत ही कम खाना चाहिए। जब अगर आपको ज़्यादा पेन होने लगे तभी कभी खाइए, नहीं तो बिल्कुल पेन रिलीफ को बाय बाय कर दीजिए। तो चलिए बताती हूँ क्या क्या करना है। शुरू से लास्ट तक वीडियो में ज़रूर से बने रहिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताती रहूँगी। तो चलिए बताती हूँ। तो कुछ योगा है, तो ये योगा आपको अपनी डेली रूटीन में जरूर से अपनाना चाहिए। आपको 2-3 दिनों में ही इस योगा से बहुत ही आराम मिलेगा। जैसा कि मैंने किया है तो मुझे बहुत ही आराम मिला है, तो आपको भी मैं बता रही हूँ। तो फर्स्ट योगा, पहला योगा है, आपको अपने दोनों हैंड को एकदम फ्री कर लीजिए। नॉर्मल नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है एकदम सीधा, और इसको आपको नॉर्मल 10 टाइम्स करनी है। तो इस तरीके से आप 10 बार कर लीजिए। तो इससे हमारे गर्दन की नसों को बहुत ही रिलीफ मिलता है और जितने भी पीठ के दर्द, बैक सब में रिलीफ मिलेगा। तो इसे 10 टाइम्स करना है गाइस। और सेकेंड योगा है ये कंधे। कंधे से ही हमारे गर्दन की नसें जुड़ी होती हैं, तो इसको आप ऐसे नॉर्मल रख लीजिए और ऐसे अंदर से बाहर की ओर ले जाइए। इसको भी आपको 10 बार करना है। आपको जब भी टाइम मिले, जाए सुबह शाम, जब भी आप कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आपको खाना खाने के पहले करना है, खाना खाने के बाद करना है, कोई नहीं। आप किसी भी टाइम इस तरीके से कर सकते हैं, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। तो 10-10 बार इसको आपको दोहराना है। और थर्ड योगा, नॉर्मल दोनों हैंड को ऐसे फैला लीजिए और इस तरीके से थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाइए अपने हैंड को। इसको भी 10 बार करना है आपको। और चौथा योगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थोड़ा आपको दर्द होगा बट बहुत ही इससे रिलीफ मिलता है। दोनों हाथ को ऐसे लीजिए, एक हाथ की कलाई को पकड़ लीजिए और इस तरीके से करिए, फिर दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ के। तो इस तरीके से आप कर सकती हैं और इसे बहुत ही रिलीफ मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको क्या लेना है, चलिए मैं बताती हूँ दवा में। तो इसके साथ साथ आपको विटामिन डी की टैबलेट वीक में 1 बार ले लीजिए, और नहीं तो आयुर्वेदिक दवा खानी है तो चंद्र प्रभावटी और दिव्य स्त्री आप ले सकती हैं सुबह शाम। और इसके साथ आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा, ट्रस्ट मी गाइस। इसे मैं 1 वीक से पी रही हूँ, बहुत ही अच्छा है, कच्ची हल्दी वाला। तो चलिए दिखाती हूँ। तो ये इस तरीके का हल्दी होता है, तो कच्ची हल्दी आप ले लीजिए, सब्जी की दुकान पे आपको मिल जाएगी। इसको आपको दूध में पकाकर पीना है, नॉर्मल छील लीजिए इसको और इमाम जस्ते में कूट कर फिर नॉर्मल हल्दी वाला दूध पी लीजिए। इसको रात के टाइम पी लीजिए, आपके दर्द में बहुत ही रिलीफ करेगा, कोई दवा की जरूरत नहीं होगी। आप एक बार इसे पी कर देखिए। और इसके साथ साथ आप च्यवनप्राश भी खा सकती हैं। च्यवनप्राश के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं तो आप देख लीजिएगा। तो च्यवनप्राश भी खा सकती हैं, और जितना हो सके आप अपने गर्दन को ढक कर रखिए। अगर गर्दन में ज़्यादा दर्द है तो कवर करके ही रखना है। और सबसे मेन, अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है गाइस, तो इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, नमक ले लीजिए। नमक को हल्का सा कढ़ाई में सौते कर लीजिए, भून लीजिए और पोटली बना लीजिए। उसी नमक से अपने कंधों को, बैक को सिकाई करिए। सिकाई करने से आपकी नसों में जो ठंडक घुस गई है वो सब निकाल देगा और आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, और जाने के पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए मेरे चैनल को। बाय बाय। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।